नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम संजय तिवारी है। मैं श्वेता पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। इस्माइलपुर में सोसाइटी का स्कूल चलाता हूँ। इसमें पहला चीज तो है कि जो के शिक्षक होना चाहिए, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो योग्य हों, क्वालिफाइड हों, उनका इंटरव्यू टेस्ट प्रॉपर तरीके से करके और उनको रखा जाए। इसके लिए जहाँ तक सवाल है, अभिभावक और टीचर दोनों भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए और मेरे हिसाब से पाँचवीं क्लास के बाद शामिल करें। इस बात से सहमत हैं, लेकिन जो असलम एरिया में स्कूल जैसे हम लोगों के इलाके में चल रहे हैं, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं वो मनमानी करते हैं, क्योंकि हम लोगों के भी बच्चे बड़े स्कूल में भी जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट में भी जाते हैं, तो हद तक सत्य है। लेकिन जो असलम एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं वो गरीब तबके के हैं, उनकी आमदनी कम है और हम लोग यहाँ शिक्षा दे रहे हैं 50-100 जो भी मंथली फी लेते हैं, उसमें रूम रेंट होता है, टीचर की सैलरी होती है, प्लस हम अगर यहाँ 5 घंटा बैठते हैं तो हमारे भी बाल बच्चे हैं, उसी हिसाब से आदमी लेता है और बच्चों को उचित से उचित व्यवस्था देता है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।